हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कक्षा 11 एग्रीकल्चर का जो मालवेसी है, बॉटनी चैप्टर से जो मालवेसी कुल है उसका अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मालवेसी कुल के प्रमुख लक्षणों का वर्णन। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि कक्षा 11 के बॉटनी के सिलेबस में 6 कुलें हैं और यह 6 कुलों में काफ़ी इम्पॉर्टेंट सभी कुल हैं और यह सब परीक्षा में लगभग हर साल एक कुल पूछता है। तो इन सभी कुलों पे हमने वीडियो बना दिया है, तो आपको अगर उस कुलों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके, वीडियो के लिंक पे जाके वीडियो को देख सकते हैं और नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, एग्रीकल्चर से संबंधित कोई सभी क्वेश्चन हो तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मालवेसी कुल के पुष्पीय लक्षण। जी हाँ दोस्तों, पहले पुष्पीय लक्षण हम आपको बताएंगे। तो हम पुष्पीय लक्षण को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, तो आप थोड़ा ध्यान से समझते रहिए। तो जो हमारा पहला पॉइंट है, मतलब पहला जो हमारा हेडिंग है, वह पुष्पक्रम है, यानी मालवेसी जो पौधों, मालवेसी कुल के जो पौधे होते हैं उनका जो पुष्पक्रम हेडिंग है उसको हम इसमें बताएंगे। तो देखिए आप, पुष्पक्रम इसमें बताया गया प्रायः कक्षस्थ एकल होता। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो इसका पुष्पक्रम होता है, इसका प्रायः कक्षस्थ एकल होता है। तो दोस्तों, इसका जो पुष्प होता है, पुष्प यानी फ्लावर, तो इसका सहवृत्त, असहपत्री या असहपत्री द्विलिंगी, अपूर्ण, त्रिज्या, समित, नियमित, अधोजय, पंक्तीय, बड़े आकर्षक पुष्प होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके पुष्प के बारे में हमने बताया है, इसके पुष्प इसी प्रकार के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, बादल पुंज या आधार भाग में संलग्न या पृथक बायदली कोष और स्पर्शी में लगे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो बायदल है इनकी संख्या 5 होती है। बायदल आधार भाग में संलग्न या पृथक बायदली कोष और स्पर्शी में लगे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप ध्यान से समझ लीजिए। उसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है वो दलपुंज है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों को नहीं पता होता दलपुंज और बाह्यदलपुंज क्या है, तो आप उस पर वीडियो देख लीजिएगा, इन दोनों में बहुत अंतर है। तो हम आते हैं अपने पॉइंट दलपुंज पे। तो दोस्तों, इनकी भी संख्या बाह्यदलपुंज की तरह समान होती है, वह भी 5 होती है। तो दलपुंज या 5 दल पृथक दली परंतु आधार पर पुंकेसे ये नलिका में संलग्न होते हैं, या जो पुंकेसर की नलिकाएँ होती हैं उनमें लगे होते हैं और इनकी संख्या 5 होती है। और उसके बाद हमारा नंबर आता है पुमंग का। तो इसके जो पुमंग होते हैं वो असंख्य होते हैं, कि मैंने जिनको कभी गिना ना जा सके वो असंख्य होते हैं। तो पुमंग के बारे में हम बता रहे हैं, पुमंग असंख्य पुंकेसर एक संलाग पुतंतु आपस में मिलकर अंडाशय तथा वर्तिकाग्र के चारों ओर पुंकेसरीय नलिका बनाते हैं। दोस्तों, यह पुमंग के बारे में बताया गया है, आप ध्यान दीजिएगा। तो आप देखिए, यह पुमंग का स्ट्रक्चर है। हम इसका वर्णन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इसका वर्णन करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इसका अलग से कोई वीडियो देख लीजिएगा। तो आप इसको एक बार समझ लीजिए, क्योंकि ये भी पूछता है इसका डायग्राम। उसके बाद दोस्तों, नंबर आता है जायांग का। तो इसकी भी संख्या 5 ही होती है, या 5 से अधिक भी होती है। तो हम इसको आपके बारे में बताने वाले हैं। जायांग 5 से अधिक अंडपी युक्ता अंडपी कोष्ठीय उत्तरवर्ती अंडाशय अक्षवर्ती बीजाणुन्यास वर्तिकाग्र एक वर्तिकाग्र फलीभूत होते हैं। तो उसके बाद आता है फल। जो इसका फल होता है या शुष्क कैप्सूल का होता है। जी हाँ दोस्तों, मालवेसी कुल के पौधों का जो फल होता है वो शुष्क कैप्सूल होता है। उसके बाद फिर आपका जो पुष्प सूत्र है, आप इसे ध्यान से देख लीजिए, ये आपका नीचे दिखाया जा रहा है, आपका पुष्प सूत्र है, आप इसका भी अध्ययन अच्छे से कर लीजिएगा। और उसके बाद आता है आपका आर्थिक महत्व। जी हाँ दोस्तों, मतलब आर्थिक महत्व का तात्पर्य है कि मतलब हमारे जीवन में इनका क्या उपयोग है। तो आर्थिक महत्व में आप जानते हैं कि गुड़हल हम किस प्रयोग में लाते हैं, कपास किस प्रयोग में लाते हैं,
भिंडी किस प्रयोग में लाते हैं। तो यार सब मतलब बताया गया है आपको, तो आप हमको कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और हम आपको और भी बता दें कि यह हमारा जो चैनल है यह एग्रीकल्चर से संबंधित है। तो दोस्तों एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बिना हिचके हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।